हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय चैनल रॉयल किंग ब्लॉग। तो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप पिक्सल ऐप से कैसे यूट्यूब थंबनेल बना सकते हो। तो गाइज, आप वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिए। इस वीडियो में आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा कि आपको पिक्सल ऐप से कैसे थंबनेल बनाना है। तो चलिए गाइज, हम चलते हैं अपने एक ऐप की तरफ और मैं आपको बता देता हूं कि आपको कैसे बनाना है पिक्सल ऐप से थंबनेल। तो गाइज, इसके लिए सबसे पहले आपको पिक्सल ऐप डाउनलोड करना है। तो गाइज, पिक्सल ऐप डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको आना है प्ले स्टोर ऐप में। और गाइज, यहां पर आपको प्ले स्टोर ऐप में आने के बाद सिंपली गाइज यहां पर आपको सर्च करना है। और गाइज, यहां पर आपको सर्च करना है पिक्सल ऐप। तो चलिए गाइज, हम यहां पर पिक्सल ऐप सर्च कर लेते हैं। तो गाइज, यहां पर हमारा सीधे डाउनलोड का सीधे ओपन का ऑप्शन आ रहा है। यहां पर अगर आप डाउनलोड करते हो तो गाइज यहां पर आपको डाउनलोडिंग का ऑप्शन आएगा। तो गाइज, चलिए हम यहां से करते हैं ओपन पिक्सल ऐप को। तो गाइज, यहां पर हमारा हो चुका है पिक्सल लैब ऐप ओपन। तो गाइज, चलिए मैं आपको बता देता हूं कि आपको यहां से कैसे बनाना है यूट्यूब थंबनेल और गाइज कैसे आप बना सकते हो यूट्यूब थंबनेल। तो गाइज, इसके लिए सबसे पहले आपको साइज चूज करना है। तो गाइज, साइज चूज करने के लिए सबसे पहले आपको आना है ऊपर थ्री डॉट वाले ऑप्शन पर। और थ्री डॉट वाले ऑप्शन पर आने के बाद गाइज, यहां पर आपको इमेज साइज का ऑप्शन दिख रहा है। गाइज, यहां पर आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पर सिंपली आपको इमेज साइज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इमेज साइज वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइज, यहां पर आपको कस्टम वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली गाइज, यहां पर आपको कस्टम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। कस्टम वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फिर से गाइज, यहां पर आपको यूट्यूब थंबनेल का ऑप्शन दिख रहा है। सिंपली गाइज, यहां पर आपको यूट्यूब थंबनेल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यूट्यूब थंबनेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइज, यहां पर हमारा हो चुका है साइज यूट्यूब थंबनेल का। उसके बाद फिर से गाइज, यहां पर आप देख सकते हो इधर से चार नंबर पर जो कि मैंने आपके सामने क्लिक किया उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद गाइज, यहां पर सबसे पहले आपका बैकग्राउंड कलर चूज करना है। तो गाइज, यहां से आपको मैं आपको बता दिया कहां से आपको कलर चूज करना है। उसके बाद कलर चूज करने के बाद सिंपली गाइज आपको कलर में आ जाना है। तो गाइज, हम यहां पर कलर चूज कर चुके हैं ब्लैक। उसके बाद से गाइज, यहां पर आपको कलर चूज करने के बाद आपको बीच वाला आइकन पर क्लिक करना है जैसा कि मैं आपके सामने दिखा रहा हूं डिस्प्ले पर। उसके बाद गाइज, यहां पर आपको चूज करने के बाद फिर से गाइज आपको यहां पर नंबर दो पर इंपोर्टेंट वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली गाइज, यहां पर आपको इंपोर्टेंट वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। इंपोर्टेंट वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद गाइज, यहां पर आप आ सकते हो सीधे अपने फाइल मैनेजर में। यहां से गाइज आप अपना सीधे फोटो ले सकते हो, कोई सा भी फोटो। तो चलिए गाइज, हम यहां पर मैं अपने एक फ़ोटो ले रहा हूं। तो यहां से हमारा यहां पर एक फ़ोटो चूज हो चुका है। फ़ोटो चूज करने के बाद गाइज, यहां पर आपको डिस्प्ले पर बहुत ही आसानी से आपको यहां पर सेट कर देना है। तो चलिए गाइज, हम यहां पर अपना पहले फ़ोटो सेट कर लेते हैं। गाइज, यहां से आपको बिल्कुल साइड में आपको एक फ़ोटो अपना शूट चूज कर लेना है। अगर आप फ़ोटो चाहते हो लगाना तो फ़ोटो भी लगा सकते हो, और अगर नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं गाइज, आप बगैर फ़ोटो को भी बना सकते हो। थंबनेल आप यहां पर कुछ लिख सकते हो। तो चलिए गाइज, यहां पर हमारा हो चुका है फ़ोटो चूज। उसके बाद गाइज, यहां पर आपको उस वाले आइकन पर आप साइड करोगे तो गाइज, यहां पर आपको स्ट्रोक वाला ऑप्शन आएगा। स्ट्रोक वाले ऑप्शन पर सिंपली गाइज आपको इसे इनेबल कर देना है। तो गाइज, यहां पर मैं आपको बता दूं, स्ट्रोक वाले ऑप्शन पर आता कि आपको फोटो के साइड में एक लाइन बन जाएगा, जैसे कि मेरे फोटो के साइड में वाइट वाइट लाइन बन चुका है। उसके बाद फिर से गाइज आपको ए वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ए वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको जो न्यू टेक्स्ट का ऑप्शन आया, सिंपली गाइज इस पर आपको एडिट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली यहां पर आपको एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सिंपली गाइज यहां पर आपको कुछ टाइपिंग करना है। तो चलिए गाइज, मैं आपको बता देता हूं कि आपको कैसे मैं जो कि आपके सामने थंबनेल बनाया था वही थंबनेल मैं आपको फिर से बना कर दिखा देना हूं कि आपको कैसे बनाना है। तो गाइज, यहां पर चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहां पर गाइज मैं लिख रहा हूं पिक्सल ऐप से यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाएं, जो कि मैं आपके सामने दिखाया था, जो कि मेरा थंबनेल है वैसे ही मैं यहां पर आपके सामने बनाकर दिखाऊंगा। तो गाइज, यहां पर आपको ऐसे बना देना है। उसके बाद से गाइज, यहां पर ऐसे बनाने के बाद सिंपली आपको यहां पर करना क्या होगा, यहां पर ऐसे करने के बाद फिर से गाइज यहां पर आपको आ जाना है यहां पर। तो गाइज, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो गाइज, यहां पर हम टाइपिंग कर चुके हैं। और गाइज, यहां पर आपको टाइपिंग करने के बाद सिंपली गाइज यहां पर आपको लेटर चूज करना है। तो गाइज, यहां पर आप अपना वर्ड चेंज कर सकते हो। तो गाइज, यहां पर आपको चलिए हम यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि आपको ये कैसे चेंज करना है। तो गाइज, यहां पर आप फॉन्ट न्यू कर सकते हो। तो चलिए गाइज, यहां पर आपको ए बी वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपली गाइज आपको ए बी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ए बी वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइज, यहां पर आपको काफ़ी ज़्यादा फॉन्ट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से गाइज आप कोई भी फॉन्ट ले सकते हो। तो मैंने यहाँ से एक फॉन्ट चूज कर लिया। उसके बाद से गाइज, यहाँ पर आपको साइड में एक बैठा देना है बहुत ही आसानी से। उसके बाद गाइज, यहां पर आपको साइड से बैठा देने के बाद फिर से गाइज, यहां पर आपको जो स्ट्रोक वाला ऑप्शन देखने को मिला है, सिंपली गाइज आपको स्ट्रोक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। स्ट्रोक वाले ऑप्शन पर क्लिक करने से जो कि मैंने आपको बताया था इससे क्या होता है। तो गाइज, यहां पर हमारा लाइन बन चुका है फिर से साइड साइड में। उसके बाद फिर से गाइज, यहां पर शैडो का ऑप्शन देखने को मिलेगा। फिर से गाइज आपको इसे इनेबल कर देना है। इसे इनेबल करने के बाद फिर से गाइज, यहां पर आपको आना है नीचे की तरफ। और गाइज, यहां से आप कोई भी कलर चूज कर सकते हो।
तो गाइज यहाँ पर हम एक कलर चूज कर चुके हैं। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको कलर चूज करने के बाद फिर से आपको नीचे की तरफ आना और उसे भी इनेबल कर देना है। तो आप देख सकते हैं कुछ वैसा ही थंबनेल बन रहा है जो कि मैंने अपने यूट्यूब थंबनेल पर लगाया था। उसके बाद फिर से गाइज आपको बीच वाले ऑप्शन पर आना है और बीच वाले ऑप्शन पर आने के बाद यहाँ पर गाइज आपको इम्पोर्टेंट वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। फिर से गाइज आपको इम्पोर्टेंट वाले ऑप्शन पर आ जाना है। इम्पोर्टेंट वाले ऑप्शन पर आने के बाद गाइज यहाँ से आपको लोगो चूज करना है पिक्सल ऐप का। तो गाइज हम यहाँ पर ले चुके हैं पिक्सल ऐप का लोगो। उसके बाद फिर से गाइज यहाँ पर आपको इसे रख देना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको फिर से इसे स्ट्रोक कर देना है। तो गाइज बस आप ऐसा करके आप यूट्यूब थंबनेल बहुत ही आसानी से बना सकते हो। तो गाइज वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही बेल आइकन ऑल प्रेस कर दो। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।